तो आज हम बात करने वाले हैं, जब आपको दांत का खुजली हुई है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और जब आप खुजली करते हैं तो वहाँ पे सूज जाता है और आपको वहाँ से रक्त भी बहने लगता है, तो उस समय आपको क्या यूज़ करना चाहिए। तो हम बात करने वाले उस समय क्या यूज़ करना है। तो आज यूज कर सकते हैं कीटो फ्रेश क्रीम, काफ़ी अच्छा है। इसका ये 5 एक्शन फार्मूला है, ये बहुत जल्दी आपको रिलीफ दिलाता है। विद इन 1 आवर 2 एप्लीकेशन में आप इसका फ़र्क देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपने आपको अपडेटेड रखना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कीटो फ्रेश इसे स्मार्ट लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है। इसका पैक है 30 ग्राम का, कॉस्ट है 90 रुपीज़, और इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल ऐड किए गए। कीटो कोनाजोल ऐड किया गया है, आइडोक्लोरो हाइड्रोक्विनोन ऐड किया गया, टोलनाफेट ऐड किया गया, नियोमाइसिन और क्लोबेटासोल ऐड किया गया। तो इसमें एक एंटीबैक्टीरियल है, दूसरा जो कि एंटी फंगल, तीसरा एंटी इन्फ्लामेटरी। ये जो कि उसी तरह के इन्फेक्शन के लिए बना है, जब आपको खुजली हो रही है, वहाँ पे सूजन है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यहाँ पे रैसेस है, ईचिंग इरिटेशन है, तब। तो इसके मॉलिक्यूल जो है वह रैसेस को कम करते हैं, इरिटेशन को कम कर करते हैं, जो खुजली हो रही है उसे कम करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करते हैं और फंगस को मारते हैं। तो इस तरह से इसके मॉलिक्यूल वर्क करते हैं। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन का। तो जब आपको दांत का खुजली हुई है, या जैसे कि जहाँ पे आपको बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे खुजली हो रही है, रेसेस हुआ है, तो वहाँ पे आपको ट्वाइस डेली एप्लीकेशन करना है। और जैसे कि आपको इसे 15 दिन तक ही करना है, अगर उसके बाद करना है तो इसे आपको 15 दिन ही करना है। उसके बाद आपको अगर करना रहेगा कंटिन्यूस, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें। इसका जो साइड इफेक्ट है, स्किन का पतलापन होना, स्किन में खुजली, इरिटेशन, ईचिंग, रैशेस ये देखने को मिलते हैं, रेड रेड पैचेस देखने को मिलते हैं अगर ओवर एप्लीकेशन होता है। तो इसका पतला और थीन लेयर ही आपको एप्लीकेशन करना है जहाँ पे आपको ये इन्फेक्शन हुआ है। अगर आपने कभी इससे कीटो फ्रेश क्रीम को यूज़ किया है तो आपको क्या फ़ायदा मिले, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिले, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप यूज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट कर लें। तो जैसे कि आप अपडेटेड रखना चाहते हैं अपने आप को, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा आईडी पे भी। और जैसे कि अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है ज़रा से भी, तो आप लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा इनकरेज मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेटेड रखने के लिए।